दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। आज हम जरूर बताएंगे कैसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसका डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। और ये बिजनेस दोस्तों बहुत ही सिंपल है और ऐसे बिजनेस करने वाले लोगों की संख्या जो है बहुत ही कम है। यानी अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो 100 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी है कि आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है, आगे हम आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये बिजनेस है क्या। दोस्तों देखिए, पेपर प्लेट जो तैयार किया जाता है, तो पेपर प्लेट करने का बिजनेस मार्केट में आपको जो है बहुत मिल जाएगा। यानी इस तरह का बिजनेस करने वाले, पेपर प्लेट बनाने वाले जो है बिजनेस, वो मार्केट में बहुत मिल जाएगा। लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल होता है, जिसको सिल्वर पेपर बोला जाता है, वो बनाने वाला जो बिजनेस है मार्केट में बहुत कम है। बहुत कम लोग जो है इस तरह के बिजनेस करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आप इस बिजनेस को करके और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, सिल्वर पेपर का उपयोग पेपर प्लेट, पेपर का डोना, पेपर का थाली, यानी इस तरह का जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, सब में पेपर, सिल्वर पेपर का उपयोग किया जाता है, यानी रॉ मटेरियल के रूप में। इसी से ये जो है प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, चाहे वो थाली हो पेपर का प्लेट हो, पेपर का डोना हो, जो भी हो। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल के उपयोग किया जाता है बताते हैं आपको, यानी सिल्वर पेपर तैयार करने के लिए। जैसे कि देखिए, ये जो है थाली है, तो थाली के ऊपर जो होता है सिल्वर वाला, वो सिल्वर होता है ना, इसे सिल्वर फॉइल बोला जाता है। तो एक सिल्वर फॉइल का उपयोग किया जाता है, यानी रॉ मटेरियल के रूप में सिल्वर पेपर तैयार करने के लिए। और दूसरा, इसके नीचे जो होता है ये पेपर, इसे ग्राफ पेपर बोला जाता है। ये पेपर जो है नीचे का है, ये पेपर प्लेट है, इसका जो है नीचे का भाग है ये, तो इसे ग्राफ पेपर बोला जाता है। और इसे चिपकाने के लिए जो है गम का उपयोग किया जाता है। तो यानी तीन चीजों का जो है उपयोग किया जाता है सिल्वर पेपर तैयार करने के लिए। और ये जो है जिस तरह से हम लेमिनेट करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, उसी तरह से जो है मशीन के माध्यम से हम लेमिनेट करते हैं। यहाँ भी इस दोनों पेपर, ग्राफ पेपर को और सिल्वर फॉइल को, दोनों को लेमिनेट करते हैं यानी चिपकाते हैं, इसी को बोला जाता है सिल्वर पेपर। इसका उपयोग तो आप जानते हैं, बता चुके हैं कहाँ किया जाता है। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कौन कौन सी मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कौन कौन सी मशीन की जरूरत होती है। दोस्तों इसके लिए आपको जो है सबसे पहले, यानी सिल्वर पेपर तैयार करने के लिए ग्राफ पेपर को और सिल्वर फॉइल जो होता है उसको लेमिनेट करना पड़ता है। तो लेमिनेटर मशीन का जरूरत होगा, और दूसरा जो है आपको कटर मशीन का जरूरत होगा, जिसमें जो है आप काटेंगे। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप 24 इंच का जो है विड्थ का पेपर रोल को अगर आप जो है लेमिनेट करेंगे, तो उसको कटिंग करना होगा। जैसे मान लीजिए 13 इंच और 11 इंच का जो है दो साइज का जो है आप तैयार करेंगे, तो उसमें जो है आपको कटर मशीन की भी जरूरत होती है। तो कुछ मशीन आपको मार्केट में ऐसा भी मिल जाता है जिसमें कटर मशीन और लेमिनेटर मशीन एक ही में होता है, यानी से एक ही मशीन में सेट होता है। तो आप अगर उस तरह का मशीन लेते हैं तो एक ही मशीन से आपको काम चल जाएगा। अगर आप दोनों अलग अलग वाला मशीन लेते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, यानी कटर मशीन अलग और लेमिनेटर मशीन अलग, तो उससे भी कर सकते हैं। और या तो अगर मान लीजिए सिर्फ अगर आपके पास लेमिनेटर मशीन है, तो आप जैसे मान लीजिए आपके पास 13 इंच विड्थ का जो है सिल्वर पेपर का रिक्वायरमेंट आया, यानी जरूरत है, यानी आपके पास जो है एक कस्टमर आता है लेने के लिए, तो आप मार्केट से डायरेक्टली जो है 13 इंच विड्थ का ग्राफ पेपर खरीदिए और 13 इंच विड्थ का सिल्वर पेपर, सिल्वर फॉइल खरीदिए, और दोनों को लेमिनेट करके और डायरेक्टली आप जो है कस्टमर को दे सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं।
दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं और आपको जो है किसमें सुविधा होता है। ज्यादा जानकारी के लिए मशीन का जो सेलर होता है, मशीन विक्रेता से आप कॉन्टेक्ट करके समझ सकते हैं, वहां जाकर देख सकते हैं कौन से मशीन कैसे काम करती है और इसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ये लेमिनेटर मशीन है, इसी जो है हम लेमिनेट करते हैं ग्राफ पेपर को और सिल्वर फॉइल को। दोस्तों देखिए ये जो रोल है आप देख रहे हैं, ये जो घूम रहा है, इस रोल को जो है ग्राफ पेपर बोला जाता है, यानी ग्राफ पेपर का ये रोल है। इस तरह से यहाँ जो है मशीन में सेट कर दिया जाता है और ऊपर से जो आ रहा है वो सिल्वर फॉइल है। और यहाँ पे जो है, यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे गम लगा होता है, गम यहाँ पे लगता है उस सिल्वर फॉइल में, और यहाँ नीचा आता है वो पेपर सिल्वर फॉइल जो है वो, और यहाँ मशीन के अंदर जाता है और ऑटोमेटिकली जो है वहां लेमिनेट हो जाता है, यानी ये दोनों पेपर जो है चिपक जाता है। बस यही काम करना होता है आपको। और आगे जो है ये सिमटा रहा है, रोल तैयार हो रहा है, देखिए बस इतना ही काम करना होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यही अगर ज्यादा चौड़ाई का होता है, ज्यादा विद्युत का होता है, जैसे कि मान लीजिए 24 इंच का अगर होगा तो उसी को जो है जैसे 13 इंच 11 इंच का जो है करने के लिए आपको कटर मशीन का जरूरत होगी। अगर आप 13 इंच का ही जैसे ग्राफ पेपर खरीदते हैं, सिल्वर फॉइल खरीदते हैं और उसी को लेमिनेट करते हैं तो आपको कटर मशीन की जरूरत नहीं होगी। यानी जिस भी साइज का अगर आपको आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, यानी कस्टमर आते हैं लेने के लिए, तो उसी साइज का आप तैयार करके रखिए और आप उनको जो है दे दीजिए। उसी साइज का आप रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदिए। अगर आप सिर्फ ये मशीन लेते हैं लेमिनेटर मशीन, तो अगर आपके पास कटर मशीन और लेमिनेटर मशीन दोनों है तो आप कोई भी साइज का खरीदिए रॉ मटेरियल और उसको जो है तैयार करके आप कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही मशीन है, इसी मशीन से जो है आप काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए पीछे से आपको हम दिखा देते हैं इस साइड से किस तरह से जो इसका प्रोडक्शन होता है। देखिए यही जो है सिल्वर फॉइल है ऊपर लगा हुआ है और इस साइड जो है यहाँ जो है आपका ये सिल्वर पेपर तैयार होकर चिमटा रहा है। इसी को जो है मार्केट में सेल करते हैं और जितने भी पेपर प्लेट बनता है, पेपर का जो है दोना बनता है, थाली बनता है, सब इसी से तैयार किया जाता है। दोस्तों ये मशीन आप देख लिए हैं किस तरह से काम करता है, बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ आपको जो है लगाना होता है और इसमें जो है गम आपको डालना होता है, गम में जो है आधा पानी और आधा गम मिलाकर डालना होता है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि आप इस बिजनेस से कितना अर्निंग कर सकते हैं, यानी इस बिजनेस से आप कितना कमा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए हैं जो कि ये है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ सिल्वर पेपर मेकिंग बिजनेस, यानी सिल्वर पेपर मेकिंग बिजनेस का ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। दोस्तों देखिए इसमें कई तरह के मशीन अवेलेबल मार्केट में है इसके लिए, तो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मशीन से कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे। नॉर्मल मशीन जो होता है जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 150 केजी होता है, यानी 150 केजी होता है, मान लीजिए अगर आप इसके बेसिस पे करते हैं, यानी नॉर्मल मशीन का जो कैपेसिटी होता है यानी इससे ज्यादा भी होता है, तो अगर आप इससे बड़ा साइज का मशीन लेते हैं तो इससे ज्यादा होगा प्रोडक्शन, यानी एक घंटा में। अगर आप इससे भी छोटा मशीन लेंगे तो जो है इससे कम प्रोडक्शन होगा, 1 आवर में, 1 घंटा में। और कई तरह का मशीन जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो मान लेते हैं कि 150 केजी अगर आप 1 घंटा में प्रोडक्शन करने वाला मशीन लेते हैं तो टोटल प्रोडक्शन इन वन डे होगा। एक दिन में अगर आप 12 घंटा काम करते हैं तो 12 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 केजी होता है, यानी आप एक दिन में 1800 केजी प्रोडक्शन कर पाएंगे। और जहां तक बात है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आपको जो है लगभग 2 से 3 रुपया होता है पर केजी पे, यानी 1 केजी पे आपको जो है 2 से 3 रुपया प्रॉफिट होता है। मान लेते हैं कम से कम 2 रुपया भी होता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 1 घंटा में, टोटल प्रॉफिट इन 1 आवर 1 घंटा में। 150 केजी आप प्रोडक्शन करेंगे 1 घंटा में और 2 रुपया आपको जो है 1 केजी पे प्रॉफिट होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 रुपया होता है, यानी आप 300 रुपया जो है पर आवर इसमें से कमा सकते हैं। और इस तरह से अगर आप पर डे 12 आवर यानी 12 घंटा काम करते हैं तो 12
को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रुपया आप कमा सकते हैं, यानी 12 और गुना 300, तो 3600 रुपया आप एक दिन में कमा सकते हैं इस मशीन से। और इस तरह से अगर आप एक महीना काम करते हैं तो एक महीना में 30 दिन अगर आप काम करते हैं तो 30 दिन में जो है 30 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,08,000 रुपया होता है। यानी आप इस मशीन से नॉर्मल मशीन जो होता है, जिसका कैपेसिटी 1 आवर का 150 kg होता है, उससे आप 1,08,000 रुपया तक कमा सकते हैं। इसमें दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आप रेंट पे अगर स्पेस लेते हैं जहाँ पे काम करेंगे, तो रेंट का जो खर्चा होगा वो सब जो है मान लेते हैं 3-4 हजार रुपया लगेगा। और अगर आप लेबर रखेंगे, 2 लेबर रखेंगे, अगर 8-8 हजार भी देते हैं उसको, तब भी आपको जो है लगभग जो है 90 हजार रुपया पर मंथ बच जाता है इस मशीन से अगर आप बिजनेस करते हैं तो। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस और कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होगी। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपना बिजनेस, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप इस साइट पे आकर, यह है इसका URL, इसका जो है URL हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डायरेक्टली आप वहां से जो है यहां पहुंच सकते हैं और इस साइट पे आकर और अपना खुद का जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां आधार नंबर और यहां नेम डालकर, और यहां जो डालेंगे तो वेरीफाई होगा, आपका आधार कार्ड जो है वेरीफाई करेगा यहां से OTP सेंड करके, और इस तरह से जो है आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत होगा तो इसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो, अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसको देखकर आप जो है अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरा जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होगी, ये जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें आपको जो है कुछ इन्वेस्ट करना होगा, यानी इसमें आपको जो है कुछ खर्चा होगा। तो दोस्तों आपको दो ही रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस बनवाने की जरूरत होगा, एक उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन और दूसरा जो है GST रजिस्ट्रेशन, दो। और दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि इसका मार्केटिंग आप किस तरह से करेंगे। दोस्तों मार्केटिंग करने के लिए आप जो है पेपर प्लेट बनाने वाले जो भी मैन्युफैक्चरर है उनसे आप कॉन्टैक्ट करके और आप जो है इसका रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, यानी सिल्वर पेपर जो है उनको सप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। और दूसरा जो है आप अपना एक वेबसाइट बना लीजिए और वेबसाइट पे अपना जो है प्रोडक्ट लिस्ट कर दीजिए, और लिस्ट करके और यहाँ जो है देखिए इंडिया मार्ट जो है ये एक ऐसा साइट है जहाँ पे बहुत ही सारे चीज का जो है आपको जो है सप्लायर मिल जाता है। तो हम लोग जो भी खरीदते हैं बल्क में यानी होलसेल में, तो यहाँ से सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं और अपना प्रोडक्ट जो है खरीदते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो है आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये सिल्वर पेपर का सप्लायर है ये लोग, तो अपना जो है प्रोडक्ट रजिस्टर करवा के ये लोग रखे हुए हैं और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जो है सब दिए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 41 रुपया पर के जी जो है ये है, और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ दिया गया है, इनसे कॉन्टैक्ट करके आप जो है इनसे ये सिल्वर पेपर खरीद सकते हैं। इसी तरह से जो है आप भी अपना जो है प्रोडक्ट का लिस्ट कर सकते हैं इस साइट पे, और जब आप इस साइट पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे तो आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, यानी इस साइट पे जो है बहुत से लोग पहुंचते हैं और आपका जो है प्रोडक्ट देखेंगे, आपका प्रोडक्ट का डिटेल देखेंगे, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल देखेंगे और आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे वे लोग, और आपका प्रोडक्ट जो है बिकना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से जस्ट डायल है, ट्रेड इंडिया है, और भी कई तरह का साइट है, उन सब पे आप रजिस्ट्रेशन करके और अपना जो है बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अपना प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बता देते हैं कि ये जो इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, इस पे भी रजिस्ट्रेशन करने में जो है आपको कुछ इन्वेस्ट करना होता है, यानी ये साइट वाले जो है साइट का जो ऑनर है वे लोग आपसे कुछ चार्ज करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम आपको आगे बता देंगे दूसरे वीडियो में कितना ये लोग चार्ज करते हैं और कैसे आप इस साइट पे जो है रजिस्टर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।